हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे पास में आई है एक कटर मशीन, टाइल कटर है दोस्तों। तो ये इसका कस्टमर का कहना है कि ये मशीन चलते चलते बंद हो जा रही है, स्पार्किंग कर रही है ब्रश होल्डर के पास में। तो दोस्तों, मेरे को तो इसकी जो स्प्रिंग होता है ब्रश होल्डर में लगा हुआ, उसका प्रॉब्लम लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको खोल कर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट था कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो आप तक पहुंचे। और वीडियोस को लाइक कीजिए और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए दोस्तों, इसको खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। तो आगे बढ़ते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. दोस्तों, आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें स्प्रिंग जो होता है वीडियो होल्डर में लगा हुआ, उसका दिक्कत हो सकता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो वही टूटा हुआ है। तो इसको काट कर इसकी जगह पे हम दूसरा स्प्रिंग इसको लगाएंगे, ताकि प्रॉपरली फिट हो जा सके और इसमें करंट आ सके अच्छे से। तो दोस्तों, हम इसका स्प्रिंग चेंज कर लेते हैं, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ कैसे लगाना है। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling, feeling. Exaggerated, that's what you assume. Story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. तो दोस्तों, इसका जो स्प्रिंग हमने लगाया है, तो जो दो स्प्रिंग होते हैं होल्डर में लगाने वाले, तो दोस्तों इसको लगाने में बहुत दिक्कत होता है। तो आप सावधानी से लगाएं, ताकि वाइंडिंग डैमेज ना हो जाए, अपना फील्ड कॉइल जो होता है उसके तार वगैरह को डैमेज ना हो जाए। तो आप सावधानी से लगाएं स्क्रू ड्राइवर की मदद से, या फिर पीछे जो गैप होता है उसमें से। थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन लग जाता है दोस्तों। तो आप देख के ध्यान से लगाएं। तो आप देख सकते हो मैंने लगा दिया हूँ दोनों स्प्रिंग। तो चलिए दोस्तों, इसका फिटिंग करते हैं। आप देख सकते हो इसका फिटिंग हो चुका है। तो दोस्तों, अभी एक बारी है इसको टेस्ट करने की। दोस्तों, अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी सीरीज पर चेक किए दोस्तों, अब डायरेक्ट लगाते हैं इसको। तो दोस्तों, आप देख सकते हो हमारा मशीन पूरी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, चालू है।